जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज तीसरा दिन है जी जद्दा में, तो अभी 12 बजे के खाने के लिए मैं एक मतम के ऊपर बैठ गया था। मैंने बोला यहीं से खा लेते हैं, तो बहरहाल ये भी आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी मैं टैक्सी में सफ़र कर रहा था और टैक्सी वाला मुझे बोल रहा था कि पाकिस्तानी था जी। मैंने अरबी में उससे पूछा, मुझको बोल रहा है अभी बाद में आता यमनी। मैंने बोला ला, बोलता अभी इंडियन। मैंने बोला नहीं पंजाबी हाँ। कहता अच्छा बाल तो तुम्हारे यमनियों जैसे हैं। मैंने और शक्ल, मैंने बोलता शक्ल सऊदियों जैसी है। मैंने बोला मेरा कद कद काठ कैसा है, बोलता ये पंजाबियों जैसा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। पर वो टैक्सी वाला भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ यार जी। तो ऑर्डर दिया हुआ है जी, सैलड आ गया, साथ में चटनी है, प्याज वगैरह नींबू वगैरह। अभी मैंने अकेला हूँ तो उस हिसाब से ऑर्डर दिया है, तो खाना आता है, चेक करते हैं इनका खाना कैसा है। मैंने रुबा शवाया लिया है जी, तो देख लें जी माशाल्लाह। और साथ में पेप्सी ले ली, पानी ले लिया बस। तो ये 9 रियाल का शायद देते हैं, और देख लें जी अगर आप फार्म लेते हैं वगैरह तो वो आपको नुस लेना पड़ेगा, तो वो 16-17 रियाल का है। तो बहरहाल ये आज तीसरा दिन है जद्दा में मेरा, तो मैंने बोला चलो आप भाइयों को थोड़ा अपडेट भी कर दूँ। और अभी मैं वैसे जो जद्दा फलस्तीन मोबाइल मार्केट है यहीं से निकला हूँ, कुछ वीडियोस वगैरह और कुछ यहाँ पर जो जिन दोस्तों के साथ कुछ सलाम दुआ उनके साथ बैठा हुआ था।